ऊंची दुकान फीके पकवान। जी हाँ, यह कहावत नवलगढ़ के गोठड़ा में सिद्ध होती दिखाई दे रही है। गोठड़ा में संचालित फैक्ट्री की अचानक दीवार गिर गई। दीवार गिरने से करीबन 30 से 40 मोटरसाइकिल दब गई। दीवार गिरने की सूचना पर फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। मजदूर गिरी हुई दीवार को उठाने में जुटे हुए हैं। फैक्ट्री प्रशासन ना तो मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहा है, ना ही अंदर जाने दे रहा है। अब सवाल यह उठता है, सीमेंट कंपनी इतना बड़ा प्लांट है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब 30 से 40 मोटरसाइकिल की दीवार पास में खड़ी थी, गमनीय रही कि उस समय बूंदाबांदी होने के कारण उस वक्त कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कंपनी के कर्मचारियों द्वारा मीडिया कर्मियों से किसी भी प्रकार की बात करने को तैयार नहीं है। अगर कोई बड़ी जनहानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? देखो, डंडा के नीचे नियम ही बनी है, बिना नियम को ये है तो ऑटो हो यार, एकदम नीचे आरोप आर दिख रही है ना। अटे नाव तो कमा जाओ भैया, वो मीडिया वाला देख लियो। अब मीडिया वाला ने बान और में दिखावा ले आया हूँ कि आंखों के दस है। मीडिया वाला देख सके है कि डंडा की क्या हालत है, मिट्टी भराव करके जाप तो कर सके। अरे चप्पल टूटे पर टांकों थोड़ी काम चलेगो, ओ काम तो गड़बड़ है। मीडिया से निवेदन कर रहा हूँ कि बाहर की दशा भी आप देख सकते हो। ये बाहर ने की दशा है ना, तो आदमी मर सकता है। मान तो क्या, आप माने पत्तों कौन बढ़वा दे, मान लखो लिया है चुप कह के लिया। और जी बंदा ये गाड़ी टूटी है, अभी आदमी गाड़ी टूटी है, लाहौ ना दे रहा है कि थाने नई गाड़ी दे देंगा, थे थारी आरसी ले आओ। अरे थे गाड़ी तो नहीं दे दे शो, पर अन पूछने वालों है कि आदमी मर जाता थोड़ा नया दे देता। मैं मीडिया के मार्फत ये कहना चाहता हूँ कंपनी वाले को कि यही काम हुआ ना तो एक दिन यहाँ से भगना पड़ेगा, यहाँ से भगना पड़ेगा। यहाँ 30-40 मोटरसाइकिल टूटी है, सब बंदा ने बोला के या सब लोगों ने जगह टाप रहे हैं कि जगह बेचारा टापर घराऊ चाल रहा है। बाका माता पिता को भी फोन आ रहे है कि भैया तेरे तो कौन लागेगी, लागे करो डंडो ही पड़गो बाकी रहेगे। आपको कैसे पता चला अंदर तो जाने नहीं दे रहे? अंदर मैंने भैया मान जाके पहले देख रहे हो, पाछे गेट बंद करेगी आगो ना बंद करेगा गेट ने।